हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो है हम इस गाय के ऊपर लेकर आए हैं कि इस गाय का आँख में जो है माड़ा हो गया है। माड़ा होने का मतलब ये होता है कि उसके आँख से दिखाई ही नहीं पड़ता है और उसमें व्हाइटपन आ जाता है। तो आज इसी प्रश्न का मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये गाय चर रही है और एक आँख से दिखाई देता है, तभी तो चरने आ रही है। तो इसका हम एक आँख व्हाइटपन इसका हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, और इसको पकड़ लेते हैं। अरे भाग गई गाय। यहाँ पे जो है गाय भाग गई है, हम लोग यहाँ पकड़ रहे हैं और पकड़ करके गाय को हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो व्हाइटपन जो है इसका कैसा होता है, तो यहाँ पे व्हाइटपन देख रहे हैं आप लोग आँख में इसका, बहुत ज़्यादा व्हाइटपन है। और कौन सा इसका जो है दवा इस्तेमाल करने पर ठीक हो सकता है, आप लोग अपना बॉक्स कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। शायद इसी वजह से ऐसे ऐसे जो बीमारियां हो जाती है और डेयरी फार्मरों का पता नहीं होता है तो वो डेयरी फार्मिंग में फेल हो जाता है। तो इसी वजह से बोलते हैं कि मैं डेयरी फार्मिंग में फेल हो गया। तो आज अब कोई भी फार्मर डेयरी फार्मिंग में फेल नहीं होगा इसी वजह से, और छोटे छोटे बीमारियों में पशुपालक घबरा जाते हैं। तो मैं घबराना नहीं चाहिए, उसको दिखाना चाहिए किसी से। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो किसी से दिखाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।